यहाँ पर विंडशील्ड का होराइजन लाइन के नीचे चला गया, मिरर चेक कर लिया, काफ़ी दूर है, अभी यह कोना मैं चेक करूँगा, ठीक है, इस कॉर्नर। तो अभी देखिए ये काफ़ी दूर है ये फुटपाथ, तो इसका मतलब गाड़ी काफ़ी आसानी से टर्न कर जाएगी। तो चलिए अब बाहर चल के देखते हैं कैसा हुआ पार्किंग। ठीक है, अभी आपको मैं बाहर चल के दिखाता हूँ अभी गाड़ी का सिचुएशन क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप है। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। खास करके आप अगर नए नए ड्राइविंग करना शुरू किए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रंट जजमेंट सीख जाएंगे। और दोस्तों मैं आज तीन सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला सिनेरियो, यहाँ पर आप कैसे गाड़ी का फ्रंट जजमेंट करेंगे और कैसे इस तरह का जगह पे फ्रंट जजमेंट करके आप गाड़ी को यू टर्न करेंगे। दूसरा सिनेरियो है, अगर आपके सामने किसी एक दीवार है तो उस दीवार के नजदीक आप कैसे गाड़ी को लेके जाएंगे, किस तरह से फ्रंट जजमेंट करके दीवार के बहुत नजदीक आप गाड़ी को लेके जाएंगे। और थर्ड सिनेरियो है दोस्तों, आप ट्रैफिक में कैसे आगे का गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चलाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों फ्रंट जजमेंट के बारे में आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूं और ड्राइवर सीट को मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली मैंने एडजस्ट कर लिया। गाड़ी का जो विंडशील्ड और ये जो डैशबोर्ड का एज जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन है, तो इसे मैं डैशबोर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन कहूँगा और कभी कभी मैं इसे डैशबोर्ड का एज भी कह सकता हूँ। तो इस गाड़ी में देखिए, अभी मेरा आई लेवल में कैमरा माउंटेड है। इस गाड़ी में देखिए, मैं बोनेट उतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सामने भी जाऊँगा, वाशर फ्लूइड का जो स्प्रे यूनिट है वो दिख रहा है, मगर बोनेट ठीक से नहीं दिख रहा है। और दोस्तों कुछ कुछ गाड़ी है, जैसे एसयूवी टाइप का गाड़ी होता है, जहाँ पर दोस्तों आपको बोनेट दिखता है, जहाँ पर मैंने पॉइंट कर रहा हूँ उस जगह पे आपको बोनेट दिखता है। जो सब गाड़ी में आपको बोनेट अच्छी तरह से दिखता है, वो सब गाड़ी का पॉजिटिव साइड यह है कि आपको फ्रंट जजमेंट बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। और नेगेटिव साइड यह है कि दोस्तों ये सब गाड़ी थोड़ा लंबा होता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जगह ज़्यादा चाहिए गाड़ी को, अगर फुल यू टर्न करके आप घुमाना चाहते हैं, खास करके इस टाइप का रोड में। और इस टाइप का गाड़ी में जहाँ पर आपको बोनेट नहीं दिखता है, यहाँ पर दोस्तों आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों जहाँ पर बोनेट नहीं दिखता है, वहाँ पर यह जो फ्रंट का होराइजन लाइन है, ये होराइजन लाइन को दोस्तों आपको लिमिट समझ के चलना पड़ेगा। ये लाइन के नीचे अगर कुछ ऑब्जेक्ट चले जाते हैं, जैसे ये फुटपाथ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फुटपाथ का ये जो एज जो है, ये यहाँ पर आकर लाइन के नीचे चले जाते हैं, तो ये जगह से मेरा गाड़ी का फ्रंट का डिस्टेंस लगभग 3 मीटर होता है। यहाँ पर ये जो गैप है फुटपाथ के अंदर, ये जो गैप है यहाँ से इतना दूर है डिस्टेंस। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर गाड़ी को लेके जाऊँगा, यहाँ पर जो फुटपाथ का स्लैब देख रहे हैं उसे उसके सामने गाड़ी को लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से फ्रंट जजमेंट करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैं गाड़ी को लेफ्ट साइड में लेके आ गया, मेरा गाड़ी का लेफ्ट टायर लगभग रोड का एज के बराबर हो गया है। अभी मैं स्टीयरिंग को फुल कट कर दूंगा, 1.5। तो अभी मैं गाड़ी को आगे लेके जाऊँगा, ये साइकिल वाला भाई साहब है, उनको पास करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का बात है, मिरर में पीछे का फुटपाथ दिख रहा है और अभी ये है सामने का फुटपाथ। सामने का फुटपाथ का स्लैब जो है, ये ऊपर एक लाइन है और नीचे एक लाइन है, तो मैं नीचे के लाइन के साथ ये मिरर को इस तरह से अलाइन करूँगा। ठीक है, देखिए मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दिया कुछ इस तरह से, अभी देखिए मैं अलाइन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये मेरा आई लेवल के बराबर है, अभी देखिए लगभग अलाइन हो चुका है। तो अभी मैं गाड़ी को ऑफ नहीं करूँगा, न्यूट्रल गियर, हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट ओपन किया मैंने और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका डिस्टेंस कितना हुआ।
तो देखिए ये लगभग दोस्तों 2 से 2.5 फीट पीछे है, तो दोस्तों इसे सेफ डिस्टेंस मान के आपको चलना पड़ेगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक पत्थर रखा हूँ यहाँ पर, तो ये पत्थर और गाड़ी का जो व्हील है, सामने का व्हील का जो सेंटर पॉइंट है और ये पत्थर बराबर एक लाइन में अलाइन हो चुका है। तो मैं अभी सीट में अंदर जाके देखूँगा ये एग्जैक्टली गाड़ी का बॉडी के साथ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो मैं ड्राइवर सीट में ठीक ठाक बैठ गया हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है और ये लगभग यहाँ पर आके मीट कर रहा है इस जगह पे। तो ठीक है, तो ये जो हमारा आउटसाइड रियर व्यू मिरर है, ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर का थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे, इस टाइप का जगह पे आएंगे, खास करके इस कार में, तो यहाँ से आपको ये पत्थर दिखेगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं किसी भी चीज़, अगर इस टाइप का अगर फुटपाथ है और हम लोग इसके सामने गाड़ी को लेके जाते हैं, तो अगर ये फुटपाथ का लाइन यहाँ से थोड़ा नीचे चले आते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सामने का पहिया को टच करने वाला है। तो हम लोग इतना दूर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इतना दूर गाड़ी का फ्रंट व्हील का सेंटर पॉइंट है और गाड़ी का जो बोनेट है वो लगभग इतना दूर है। तो हम लोग ये लिमिट समझ के चलेंगे कि जब भी किसी ऐसा किसी फुटपाथ जब भी इस टाइप का जगह में चले आएगा तब हम लोगों को थोड़ा सावधान होना पड़ेगा और ख़ास करके वहाँ पर हम लोगों को गाड़ी को रोकना पड़ेगा। दोस्तों अभी नेक्स्ट सिनेरियो मैं एक पार्किंग में लेके जाऊँगा, वहाँ पर एक पिलर टाइप का है, तो वहाँ पर मैं और भी क्लोजली फ्रंट जजमेंट करूँगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं सामने एक पिलर है, तो मैं ये जो मेरा डैशबोर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे देखकर और साथ साथ ये वर्वियम को देखकर मैं पिलर का सामने गाड़ी को लेके जाऊंगा और फ्रंट जजमेंट करूंगा। तो देखिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे करके क्लच रिलीज कर रहा हूं मैं। अभी देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्कूटी है, स्कूटी का जो पीछे का पहिया है वहां पर एक देख सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन है। तो मैं अभी फ़िलहाल उस स्ट्रेट लाइन के साथ मेरा मिरर को अलाइन करूंगा और साथ साथ ये भी देखते रहूंगा, ठीक है। अभी देखिए ये मिरर करीब अलाइंड हो चुका है, बस मैं इतना दूर गया। अभी मैं गियर को न्यूट्रल में डाल दिया, हैंड ब्रेक को एंगेज कर दिया और ये जो पिलर है, ये पिलर और ये वाइट कलर का पिलर ये पैरेलल है और ये आप देख सकते हैं ये लाइन से करीब 1 फीट 1.5 फीट दूरी में है। तो चलिए आप बाहर चल के देखते हैं कैसा हुआ पार्किंग। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट इतना सा गैप है, 4 उंगली का गैप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने बताया था, ये लाइन से जस्ट 6 to 7 इंच पीछे ये फ्रंट का पहिया है। तो दोस्तों मैं इस रोड में यू टर्न लेके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक फुटपाथ का जो लाइन है ये है और राइट साइड में उस तरफ भी फुटपाथ का स्लैब का ये लाइन है। तो दोस्तों अभी मेरा गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है, मैं गाड़ी को आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लेके गया हूँ। यहाँ पर वाइपर ब्लेड का जो नॉच है ये गाड़ी का लेफ्ट टायर का पाथ जो है उसके बराबर चलता है। तो अभी देखिए मैं फुल यू टर्न किया, स्टीयरिंग को फुल कट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी आप इस कोने पर नोटिस कीजिए, ठीक है, यहाँ पर ठीक है ये फुटपाथ का ये लाइन है। ठीक है ये लाइन फिलहाल यहाँ पर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है ये फिलहाल लिमिट के अंदर ही है, तो ये आसानी से यहाँ पर पास हो जाएगा। ठीक है पास हो गया,
कोई दिक्कतें नहीं हुई। अभी यहाँ पर और एक यूटर्न मैं लेके आपको दिखाऊंगा। मैं फुल कट कर दिया स्टीयरिंग को, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कट टू कट जजमेंट होगी। ठीक है, अभी आपको मैं बाहर चल कर दिखाता हूँ अभी गाड़ी का सिचुएशन क्या है। ठीक है, मैं न्यूट्रल गियर में डाल दिया, हैंड ब्रेक को एंगेज कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप है, तो इस गैप से बहुत ही आसानी से टर्न कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस कोने में ये जो लाइन है ये काफ़ी दूर में है। ये लाइन जब ये कोने के साथ मीट करेगा तब आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, तब इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे जगह बहुत कम है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी गैप है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से, देखिए मैं किस तरह से यू टर्न कर लूँगा। ठीक है, हो गया गाड़ी का यू टर्न। दोस्तों अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो चलिए मैं आपको और एक दो बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं लेफ्ट साइड में लेके गया गाड़ी को जितना पॉसिबल, अभी राइट साइड में फुल कट। यहाँ पर डैशबोर्ड का हॉरिजन लाइन से नीचे चला गया फुटपाथ, मैं मिरर के साइड में देख रहा हूँ और ये कोने में भी देख रहा हूँ। तो देखिए ये जो फुटपाथ है ये काफ़ी इस तरफ है। ठीक है, तो ये आसानी से यहाँ पर घूम जाएगी। ग्रेट, यू हैव डन इट। नाउ अगेन, वन मोर टाइम। मैं लेफ्ट साइड में लेके गया, यहाँ पर वाइपर का नॉच है, ये रोड का एज है, तो काफ़ी लेफ्ट साइड में है गाड़ी। ठीक है, फुल टर्न। यहाँ पर विंडशील्ड का होराइजन लाइन के नीचे चला गया, मिरर चेक कर लिया, काफ़ी दूर है। अभी ये कोना मैं चेक करूँगा। ठीक है, इस कॉर्नर, तो अभी देखिए ये काफ़ी दूर है ये फुटपाथ, तो इसका मतलब गाड़ी काफ़ी आसानी से टर्न कर जाएगी। मैं इनफैक्ट मोबाइल में देख रहा हूँ, अभी रोड में भी नहीं देख रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करते करते दोस्तों ऐसा एक टाइम आएगा तब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस टाइप का जगह में आपका गाड़ी फुल यू टर्न करेगा या नहीं। यहाँ पर देखिए अगेन मैं बात करते करते ही गाड़ी को ऐसे टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, टर्न कर गया काफ़ी आसानी से। थर्ड सिनेरियो में क्या होगा, मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला के आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फ्रंट जजमेंट करता हूं। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के वक्त मैं आगे का गाड़ी का दो चीज़ देखता हूँ, एक है बैक लाइट और दूसरा है
पीछे का जो नंबर प्लेट। तो जब भी मेरा ये विंडस्क्रीन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एज का जो लाइन है जहाँ पर विंडस्क्रीन और डैशबोर्ड मिल रहा है, इस लाइन के नीचे नंबर प्लेट नहीं तो गाड़ी का बैक लाइट आ जाएगा, तब मैं समझूंगा मैं लिमिट में पहुंच गया। तो एसयूवी टाइप का जो भी कार्स है जहाँ पे बोनेट दिखता है, वहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड का एज पकड़ के चलना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आपको बोनेट का आगे का जो लाइन है उस लाइन को दोस्तों रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक सिग्नल है, तो मैं आगे का जो गाड़ी है इसमें नंबर प्लेट थोड़ा नीचे है, फिलहाल नंबर प्लेट भी दिख रहा है और बैक लाइट थोड़ा ऊपर है। तो इस कार में मैं क्या करूँगा, इस कार में अभी तक मुझे नंबर प्लेट दिख रहा है, बस अभी नंबर प्लेट वैनिश हो गया। तो अभी यहाँ पर मैंने गाड़ी को फुल स्टॉप कर दिया, सामने थोड़ा जगह है। अगर मुझे इधर उधर गाड़ी को मूव करना पड़ा, अगर सपोज मुझे लाइन से बाहर निकलना पड़ा, तो इतना डिस्टेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।